मोदी सरकार ने एक बार फिर से पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस बार 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से लेकर फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज कलाकार रवीना टंडन तक को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो वहीं इन सैकड़ों हस्तियों के बीच एक नाम ऐसा भी है जो सुर्खियों में छाया है। ये नाम है गुलाम मोहम्मद जाच का। दरअसल मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, उसने देश के कोने कोने में बैठी उन हस्तियों को मान सम्मान देने का काम किया है जो बिना कोई शोर के अपनी कठिन मेहनत और ईमानदारी के साथ समाज में योगदान देते रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। ऐसा ही एक नाम है जम्मू कश्मीर के रहने वाले गुलाम मोहम्मद जाच का, जिनका परिवार 200 सालों से संतूर बनाने के पेशे से जुड़ा हुआ है। गुलाम मोहम्मद जाच इस परिवार की 8वीं पीढ़ी से हैं, जो आज के दौर में इस बेमिसाल हुनर की रिवायत को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा है। गुलाम मोहम्मद को मोदी सरकार की ओर से मिले इस सम्मान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बधाई देते हुए लिखा, मोहन सिंह और गुलाम मोहम्मद जाच को प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। जम्मू कश्मीर को आप पर गर्व है। हमारे सच्चे नायकों का सम्मान करने, समाज की बेहतरी के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जितेंद्र सिंह ने भी गुलाम मोहम्मद को बधाई देते हुए लिखा, संतूर सहित हाथ से तैयार किए गए वाद्य यंत्रों को बनाने में योगदान के लिए पद्मश्री मिलने के सही हकदार गुलाम मोहम्मद जाच साहब को बधाई। श्रीनगर के रहने वाले गुलाम मोहम्मद जाच संतूर बनाने के अलावा रबाब, कश्मीर सितार और सारंगी भी बनाते हैं। कश्मीर से पूरे देश में छाया संतूर। जिस संतूर को बनाने वाले गुलाम मोहम्मद को पद्मश्री सम्मान मिला, उस संतूर के बारे में कहा जाता है कि ये वाद्य यंत्र करीब 1800 साल पहले ईरान के रास्ते एशिया पहुंचा। हालांकि भारत की बात करें तो संतूर केवल जम्मू कश्मीर में ही बजाया जाता है। यहाँ के सूफी संगीत में संतूर का इस्तेमाल हुआ करता है। पहले तो कश्मीर के आसपास भी इसकी प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन बाद में सूफी संगीत में इसकी अहमियत समझी गई और जम्मू कश्मीर में इसे काफी लोकप्रियता मिली। इसके बाद देश भर में ये जाना जाने लगा। यहाँ तक कि प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजनलाल सोपोरी भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ही रहने वाले थे। उन्हें संगीत विरासत में मिला था। उनके दादा एससी सोपोरी और पिता पंडित एसएन सोपोरी भी एक संतूर वादक थे। और इसी संतूर के निर्माता गुलाम मोहम्मद जाच को मोदी सरकार ने देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से फिलहाल सम्मानित किया है। ऐसे में गुलाम मोहम्मद जाच को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।